ये देख रहे हैं जी टोल प्लाजा फिर से आ गया। यहाँ पे टोल बहुत ज्यादा है। ENP ऐसी उधर नहीं सी जाना बिकॉज़ ऐसा पे करना थी ना। कोई गल नहीं थे भी हो जाए सी। चलो वे हलने आ होना बयाना अगर ऑन दुआ खाता होना निकल जाए अरे खेरे 50 यूरो ने कोई गल नहीं। हाय हाँ मुझे 11:30 जनाब ठीक ठाक हैं। मैं ज़रा आवाज़ बंद कर लूँ इसकी। अच्छा सर्बिया के टोल के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल किया था। देखिए सर्बिया में बेसिकली क्या हुआ कि हम एक एंड से एंटर हुए थे और फिर हम बेलग्रेड में चले गए थे, तो वहाँ तक जो हमने दिया था वो तकरीबन 8 यूरो का हमने टोल दिया था। और उसके बाद जो है अभी वहाँ से आए हैं और तकरीबन बॉर्डर एरिया में हैं, तो इस मोटरवे का हमारा तकरीबन 10 यूरो का टोल पड़ा है। तो 2 टोल हमने दिए हैं और 2 टोल्स के अंदर जो है ना वो तकरीबन हमारे वही वनीते वाला हिसाब है, तो इतना ख़ास एक्सपेंसिव नहीं है ये टूर रोड। और इनकी मोटरवे भी जो है ना वो अच्छी है, मतलब इतनी ख़ास आप नहीं कह सकते, बड़ी जदीद है, लेकिन इनकी मोटरवे अच्छी है, आप इस पर सफ़र कर सकते हैं अगर आपका इरादा हो। अदरवाइज़ अगर ना हो तो फिर आप बुल्गारिया वाली साइड पर जा सकते हैं, सॉरी रोमानिया वाली साइड पर जा सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल सीधा सा रोड था हमारा, बड़ी जल्दी सफ़र वो पूरा हो गया। अभी हम एक टनल के अंदर हैं, मैं आपको टनल दिखा देता हूँ, ये वाली, ये बड़ी एक ना लंबी सी टनल है। मुझे याद है 2018 में हमारे जब हमने सफ़र किया था पाकिस्तान भाई रोड के लिए, हमीद भाई और रियाज भाई हम लोग आए थे, तो यहाँ जनाब लाइनें लगी हुई थी इस टनल से गुजर के। और ये टनल या ये टनल है या इससे अगली टनल है, तो वो बंद रही थी उस वक्त, और हमने ऑफ रूटिंग की थी। इधर एक साइड से रास्ता गुजर रहा था तो वहाँ से उतर के हम उधर से गए थे। तो बहरहाल हम तकरीबन सर्बिया के एंड में हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने बुल्गारिया में एंटर हो जाना है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बुल्गारियन बॉर्डर पे पहुँच के वहाँ की भी डिटेल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा टाइम लगेगा। ये जनाब आ गया सोफिया का पहला साइन बोर्ड। सोफिया आपको पता है कि वो बुल्गारिया का शहर है, तो यहाँ पे ये ट्रकों की आप अब लाइन देखेंगे जिनको कस्टम क्लीयरेंस के लिए बॉर्डर पे पहले रोका जाता है जिन्होंने बुल्गारिया में एंटर होना है। यहाँ से सोफिया जो है वो 58 किलोमीटर है, आगे हमारे बिल्कुल बॉर्डर एरिया आ रहा है। तो हम जनाब इस वक्त बिल्कुल बुल्गारिया की गर्दन के ऊपर हैं इस वक्त। ये सारे ट्रक इसी तरह होते हैं यहाँ पे खड़े, और जब भी आए ना ज़्यादातर यहाँ पे इसी तरह लाइन लगी होती है ट्रकों की इस बॉर्डर के ऊपर। और हम बड़े लकी होंगे अगर हमारा बिना ट्रैफिक के हम यहाँ से निकल गए। अमूमन यहाँ पे कई बार तो ऐसा था 5-5, 6-6 घंटे ट्रैफिक जो है ना वो स्टॉक हो जाया करती होती है, जैसा कि आप सामने देखेंगे। ये देख लें सामने लाइनें लगी हुई हैं। कौन सी लाइन में जाना है जी? जड़ी मर्जी लाइन में चला लो, जड़ी मर्जी चला लो, इतनी रख लो, तो अद कर लो जी, अद कर लो। अच्छा जी, जैसे ही आप आएंगे ना जी सर्बिया के बॉर्डर पे, जो कि मतलब सर्बिया और बुल्गारिया का बॉर्डर है, सामने बुल्गारिया का बॉर्डर है, अब ये है जी सर्बिया का एंड। तो जब आप यहाँ क्यू में लगे हो ना, तो एक बंदा उतर के ये लेफ्ट साइड पे बने हुए हैं काउंटर, यहाँ पे चले जाएं, आपको वनीता चाहिए। ये देख रहे हैं आप सामने वनीता,
तो मेरी गाड़ी पीछे थी, अभी मैंने कहा टाइम बचा लेते हैं, यहाँ से मैं लेने आया हूँ वनीता। अब यहाँ से वनीता लेके मैं फिर आपको बताता हूँ इनकी क्या प्राइस है वनीते की। हेलो, यू ओके? आज बेटी फिर कैश कार्ड नो ओके। हाउ मच कैश? 10 यूरो। 10 यूरो फॉर वन? लें जी, 10 यूरो जो है उसका है वनीता, और 10 यूरो मेरे पास कैश नहीं था, मैं गाड़ी में लेने जा रहा हूँ। 10 यूरो का एक वनीता है, हमारे पास दो गाड़ी हैं तो 20 यूरो के हम वनीता लेने लगे हैं। अच्छा जी, ये है जी टोल पास वनीता, और ये हमने ले लिया है 10 यूरो का। 10 यूरो का हमें मिला, वो आगे बॉर्डर है तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको आज पता चला है कि ये बुल्गारिया बुल्गारिस्तान है? ये ऊपर साइन बोर्ड देख रहे हैं LED, ये देखिए बुल्गारिस्तान वनीता, ये वनीता है ना, तो इसके बाद बुल्गारिस्तान, ये बुल्गारिस्तान, बुल्गारिया को बुल्गारिस्तान भी कहते हैं जनाब। मुझे तो आज पता चला है जी, पहला बंदा तो मैं हूँ, अभी पता नहीं और कितने हैं। और दूसरा बंदा मैं हूँ जी, जिसको पता चला कि ये बुल्गारिस्तान जो है ना, बुल्गारिया को बुल्गारिस्तान भी बोलते हैं। वाह यार, पाकिस्तान का भरा है ना, फिर अफगानिस्तान का, तुर्कमानिस्तान का, ताजिकिस्तान का, ये सारे, फिर क्या बात है यार, बुल्गारिस्तान, नई इन्फॉर्मेशन कुछ सीखने को मिला। कल तो है कि उसे तरह ही ना खोखे शोके लाए हुए पाकिस्तान, उन जी ये ना स्टाइल है गल बात दा भी, शीशा साफ करने दा भी स्पेशल तो क्या है। ओ नहीं, ऐसी सच्ची दिखाया थे। हाँ, मैं तो उनसे दी फिल्म भी देना ही। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है सर्बियन बॉर्डर। मैं सर्बियन इसलिए कह रहा हूँ कि ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पासपोर्ट चेक होंगे और एग्ज़िट स्टैम्प होनी है, और इसके बिल्कुल आगे बुल्गेरियन बॉर्डर है, थोड़ा सा इसमें वक्फा होता है, तो यहाँ से सर्बिया की जो है ना वो होगी अब हमारी एग्ज़िट स्टैम्प लगनी है। तो यहाँ पे क्यों लगी हुई है, तो एक बात याद रखिएगा, जब अगर आप सर्बिया वाली साइड से आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ। अभी मैं आया हूँ ना, तो मैं कह रहा था क्या बात है, आज तो यहाँ पर क्यू है ही नहीं। मेरी राइट साइड पर 2 ट्रकों की लेने हैं, फिर उससे आगे बस लेने, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6 लेने जो है ना वो कारों की हैं, और उसके जो है ना, उसके बावजूद मैं ये सोच रहा था कि आज इतना रश नहीं है इस बॉर्डर के, लेकिन हमें फिर भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे इस बॉर्डर पे लग जाने आराम से। और अगर आप आते हैं रश आवर में कहीं पे, रश पे आ गए, तो 6-8 घंटे आपके यहाँ पे लग सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को ना बिल्कुल ये मत सोच के ये कि जी हमने बॉर्डर पे जाना है और अचानक वहाँ से जनाब वो 10-15 मिनट की होना है तो हमने निकल जाना है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब ये सर्बिया के आगे ये जो बुल्गारिया, आपको पता बुल्गारिया बड़ी मोस्ट हॉट फेवरेट जो प्लेस है उस जगह पर है, जो वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और यहाँ से, मतलब ये बुल्गारिया उसके मिड में फंसा हुआ है, इस वजह से माफिया भी है ना, एक साइड से माफिया जाता है, एक साइड से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उन्होंने रोकना होता है। तो यहाँ पे इधर से जाते हुए तो शायद इतनी चेकिंग ना, उधर से आते हुए तो बड़ी चेकिंग होती है ना, लेकिन यहाँ से जाते हुए अब सर्बिया का हमने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है ना, जैसे ही बुल्गारिया में एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे चेकिंग होनी है। ये क्यू इतनी बड़ी एवे नहीं लग जाती, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को मेंटली रेडी रखिएगा कि यहाँ पे आके आपका टाइम लगना है और उस टाइम के लिए आपने रेडी रहना है, 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। और यही वजह थी, वो ऊपर देखिए सर्बिया का झंडा, तो यही वजह थी कि जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि सर्बिया में नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा, और सर्बिया की बजाय रोमानिया वाला जो रास्ता है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, उधर से ट्रैफिक बहुत कम होगी, उधर से और भी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उनकी अच्छी लगी हैं। ये देखें जी, सी यू अगेन इन सर्बिया, गुड बाय। ये जो कार का साइन है बिल्कुल इसके नीचे जो है ना चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमारे पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट स्टैंप लगनी है, और फिर इससे आगे जो है ना बिल्कुल बुल्गारिया का है बॉर्डर, इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के वो भी आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। तो
ਟੋਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਖੱਲਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਧਰੇ ਸਹਿਣਾ। ਸੁਠਾ ਹੈ, ਸੁਠਾ ਲੱਗਦਾ।